क्योंकि नेटवर्क इशू है और बार बार डिस्कनेक्ट होने के कारण। देखिए दोस्तों, ये पीपल का पेड़ जो है कुछ ही मिनटों में जाने वाला है क्योंकि लगातार कटान हो रहा है। हम वहां से तस्वीर आपको दिखाते हुए यहां तक आए हैं और कटान शुरू है। कोशी नदी का जो कटान है वो शुरू है और दरभंगा जिला की ओर रुक कर लिया है पानी। इधर कुशेश्वर स्थान पूरी तरह डूबेगा, बिरौल का कुछ हिस्सा डूबेगा और ये जमालपुर तो पूरा डूबेगा और एक गाँव जो है पूरा कटकर। बहुत नेटवर्क इशू है दोस्तों, सेकेंड लाइव दिखा रहे हैं आप लोगों को, फर्स्ट लाइव किसी इशू के कारण कट हो गया, दूसरा लाइव दिखा रहे हैं और देखिए पूरा हट जाइए, अब स्पीड हो गया पानी, आप देखिए पूरा देखिए भर गया इधर आके पानी। आप गिर जाएगा पेड़। देखिए दोस्तों, दरभंगा जिला के किरतपुर का, देखिए दोस्तों दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड का ये भूगोल जगह है जो पूरी तरह बर्बाद हो गया है और अभी तक कोई भी मदद इन सबको नहीं मिले हैं। एक गांव था जो पूरी तरह भूगोल गांव भांस गया है और कुछ घर है उधर जहां लोग छत पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि दरभंगा जिला से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम आएगी, बोट लेकर हमको बचा कर ले जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया है। और ये पीपल का पेड़ देखिए, ये पीपल का पेड़ कुछ ही देर में चला जाएगा क्योंकि ये साइड खाली नहीं था लेकिन अब इस साइड से भी पानी जाने लगा है और लगातार पानी वहां आकर टकरा रहा है। देखिए देखिए, इस पीपल के पेड़ पर कोशी नदी से जल लिया जाता था और पूजा पाठ होती थी लेकिन आज लोग आने से यहाँ डर रहे हैं क्योंकि 4 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, पेड़ गिरने वाला है और इधर देखिए ये घर भी जाने वाला है। हट जाइए आप लोग उधर से हट जाइए क्योंकि वहाँ हिल रहा है पूरा। ऐसी भयानक तस्वीर आपको 87 के बाढ़ में देखने को मिली होगी, 2004 के बाढ़ में देखने को मिली होगी, लेकिन अब 2024 के एंड जाते जाते ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। यही वो बांध है जो 87 में टूटा था, उसके बाद सीधा 2024 में आकर टूटा है। 87 में यहाँ से ठीक 5 से 7 किलोमीटर पहले टूटा था लेकिन अब जाकर यहाँ आकर टूटा है दोस्तों। 87 के बाद सोच सकते हैं लंबा सफर है और इधर से भी कटान शुरू हो गया। देखिए जूम करके दिखाएंगे।